सभी शहरवासियों को, जनपदवासियों को मेरा आदाब सलाम नमस्कार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अगर मऊ में कोई नेता अगर है, लड़ने वाला मुनव्वर है, जैसे ही हमको फातिमा कॉम्प्लेक्स का खबर मिला, सूचना मिला, वैसे ही हम पहुंचे। हमको जो है ये आया कि जो है इसको गिराने जा रहे हैं, जैसे पेरिस प्लाजा गिरा दिया गया और जो है आसिफ चंदन का मैरेजाल भी सील कर दिया गया था, तो उसी लिए हम पहुंचे कि एक मजलूम के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम पहुंचे उसके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, और वहां जाने के बाद जो है सीओ साहब थे, कोतवाल साहब थे, एचडीएम सदर साहब थे, एडिशनल एसपी साहब भी थे, तो वो हम सिर्फ पहली बार दफा, जैसे जब किसी का मकान सीज किया जाता है या कुड़क किया जाता है, कभी हम देखे नहीं थे आंखों से, वैसे तो न्यूज चैनल वगैरह पे तमाम देखा गया, तो हम देखे कि कैसे ये कार्रवाई लोग करते हैं। गए वहां पे, तो वो जो हाजी मुमताज का जो वो कॉम्प्लेक्स है, रो रहे थे, हाजी मुख्तार उनको मुख्तार अंसारी करीबी बताया गया। वो क्या सही है नहीं सही है, लेकिन जब चिड़िया एक घोंसला एक तिनके बिन बिन के बनाती है और घोंसला को उजाड़ देता है तो तकलीफ होती है। उनके दो चार भाई भी सऊदी वगैरह या दुबई वगैरह में रहते हैं, पैसा उनका आता है, वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि सही से जांच हो जाए, हमारा पैसा जो है सब लीगल है, हमारे बच्चे वहां काम करते हैं हाजी मुख्तार, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी संबंध में दो चार मीडिया लेते हैं, वो बाइट हमसे लेना चाहें कि नेताजी आप क्या कहेंगे, प्रशासन के लोग हमारे पे खिलाफ हो गए और ताबड़तोड़ हमारे दुकान को उठा दिया गया, सिंध कालोनी आकर क्यों उठा दिया गया, बुलडोजर लेके चले आए वो यहाँ पर हमारे दुकान पर, तो कहीं ना कहीं मऊ की जनता के ऊपर जो है 1,24,000 जनता अब्बास अंसारी को वोट दी है, तो वो जो है क्या बताएं, हमें दर्द है, तकलीफ है कि मऊ की जनता जो है हमें समझ नहीं पा रही है, या हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। हम जनता की लड़ाई आज से नहीं, 18 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो है हम बहुत, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसके पहले भी जो है कई बार हमको मुकदमा फंसा के एनआरसी तक में जो है किया गया। आप भावुक हो रहे हैं, और मुनव्वर मुर्गा जो है कहते हैं झुकेंगे नहीं और डरता नहीं किसी से, मुख्तार को चुनौती देता है, उस मुनव्वर के आंख में आंसू नजर आ रहा है, क्यों डर गए क्या आप कार्रवाइयों से? मुनव्वर डरा नहीं है ना डरेगा। मुनव्वर के ऊपर जब जेल में अत्याचार हुआ, हमारे विरोधियों द्वारा पैसा दिया गया, वहाँ पिटवाने की साजिश रची गई, मारने की साजिश रची गई, फर्जी मुकदमा में कई बार हमको फंसाया गया, तब हम न झुके न डरे। आज भी हम न झुके हैं न डरे हैं, ये बुलडोजर हमारे दुकान पे चलाए हैं, या हमारे ऊपर भी अगर बुलडोजर चला दे तो हम खड़े हैं, भागने वालों में से नहीं है, लेकिन जनता कब सही परखेगी, कब जो है सही नेता सही रहबर को भेजेगी सदन में। आज हम पूरे जनता से अपील करते रह गए पूरे इलेक्शन में कि हमें वोट दिया जाए, लेकिन जनता नहीं समझ पाई, वोट नहीं दी। और दो बार तो ऐसा गुजरा कि जेल में थे, हमारे वाइफ को जो है पैदाइश होने वाला था, अस्पताल में हमें होना चाहिए, हम जेल में उस समय थे, दो दो बच्चे हमारे जेल में मौजूदगी रही, जनता के लिए हमने लड़ाई लड़ा, जनता के लिए सब कुछ हमने किया, जनता के लिए कई बार जेल गए हमने, सराइडर हाउस को लेकर जो है जो अनुराग आर्या एसपी ने ताबड़तोड़ उसमें जो है कार्रवाई किए थे, उसके खिलाफ मैं जन आंदोलन किया, 1 महीना तक खुराक रोक दिया गया, हमारे कौम के लोगों का खुराक रोक दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सरकार को निर्देश था उस समय कि जल्द से जल्द इनको व्यवस्था कराया जाए, वो भी आज व्यवस्था नहीं हो पाया ये। और वहां पर मछली बेचने पे भी रोक लगा दिया गया था, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, और वहाँ 23 आदमी को लेके जो है हम लोग जेल चले गए थे, चक्का जाम हमने किया था।
कहाँ मतलब जेल चले गए थे आपने, जेल के करीब चक्का जाम किया था? चक्का जाम हमने किया था आजमगढ़ मोड़ पर, जो वहाँ व्यवसाय है गरीब जो है मछली बेचने वाले हैं, कुछ मल्लाह हैं, कुछ सोनकर हैं, वहाँ बकरा मुर्गा व्यवसाय है। अनुराग आर्या ने जो है उस वो तुरंत हम लोग को धोखे से जो है कोतवाली में बुलाकर और सीओ राजकुमार थे धोखे से भेज दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जी खा रहे हैं, हम पेट की लड़ाई लड़े हैं। और इसके पहले लड़ाई हमने लड़ा मस्जिद वाली, जो पानी लगा रहता था नमाज नहीं होता था। कहाँ पर मस्जिद है ये? मस्जिद जो है वहाँ पर है, क्या बोलते हैं, हकीकतपुरा में, ये राज पैलेस के पीछे, सफ़ेद अली बाग के पीछे, वहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा। मऊ में ऑटो स्टैंड नहीं है, गरीबों का जो आए दिन पुलिस वाले लाठी चलाते हैं, जबकि नगर पालिका 1100-1150 उनसे टैक्स लेती है, स्टैंड ऑटो नहीं दी है, न पानी की व्यवस्था है वहाँ पर, और तमाम तरह की परेशानियों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, आपकी दुकान तो अवैध अतिक्रमण था, गंदगी बदबू तमाम रहती थी, इस वजह से ढहाया गया? पूरे मऊ जिले में अगर किसी की दुकान कानूनन दायरे में थी, अच्छी थी, टाइल्स लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था, पर्दा था, कोई प्रदूषण वहां पे नहीं था। आज जो है 50-55 साल से वहां दुकानें चल रही थी, अब तक जो है क्या इसके पहले डीएम नहीं थे कि इसके पहले सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थे कि इसके पहले कौन नहीं था? अच्छा, उसी लाइन अतिक्रमण दिखा के उन्होंने ढा दिया हमारी दुकान पर। तो अतिक्रमण नहीं है, वो फ्री होल्ड की जमीन है, फ्री होल्ड में डीएम साहब को पैसा जमा है, नगर पालिका में भी पैसा जमा है, और उसमें तमाम जो अगल बगल अगर देखा जाए, अगर हमारा अतिक्रमण है तो और भी दुकानें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबको उन्होंने नहीं गिराया। हमको खुशी इस बात की है कि और लोग जो अगल बगल हैं आज जो है उनका भी पेट चल रहा है, लेकिन इस सरकार में कोई भरोसा नहीं है, प्रशासन कब जो है किसको गिरा देगी। अभी आपको कोई नोटिस नहीं, कुछ कैमरे नहीं। पे कैमरे पे आने से पहले अभी आप बता रहे थे कि आपके बच्चों की फीस नहीं जमा पा रही, इस तरह की आप अपनी आर्थिक स्थिति बता रहे, क्या पूरा मामला जरा वो भी बताएं आप। बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है और भुखमरी के कगार पे हम लोग रहे हैं। इसके पहले भी जो है हम चूंकि 12 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद से हमारे पिताजी जो है जैसे कहे कि नेतागिरी तुमको करना है तो जाओ करो, कहा उसी में आए, लेकिन हम मुर्गा व्यवसाय काम करते रहे, हम मुर्गा बेचते थे, अब भी कहीं ना कहीं बेचेंगे, लेकिन तो अब तो आपकी दुकान टूट गई, अब कैसे बेचेंगे? कहीं ना कहीं व्यवस्था बनेगा, वही व्यवस्था बनेगा, मांग कर रहे हैं, हम जाएंगे इनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। तो वर्तमान समय में जो है आपका खर्चा कैसे चल रहा है? नहीं चल रहा, हम लोग भुखमरी कगार पे हैं, 4 महीना जो है पूरा मार्च तक का फीस जमा है बच्चों का सनबीम स्कूल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का ये सब अभी बाकी है, ये जो है अभी पैसा हमको देना है, उधर जो है कर्ज लेके जो है चुनाव लड़े और भुखमरी के कागार पे हम लोग हैं, पूरा जो है तानाशाही चल रही है, जिला शासन प्रशासन जो है हमारे विरोधियों से मिलके जो है कार्रवाइयां कर रही हैं। अपने नगर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? नगर की जनता से हम यही अपील करेंगे कि जो है सही वक्त आने पे सही फैसला लें और प्रशासन और हमारे विरोधियों का जो है जवाब दें एक ताकत बन के। तो क्या उम्मीद है, आप तो चुनाव कई बार लड़ चुके हैं और अब तक एक बार भी जीत नहीं सके हैं? अल्लाह की मसलहत है, इसी शहर में इसी जिले में जो है कामरेड खरबसर जो है 7वीं बार में विधायक हुए थे, हमें उम्मीद है यहाँ की जनता एक बार हमें मौका देगी, जरूर देगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो मुनव्वर हमेशा हंसी मजाक के अंदाज में जुकराई वाले अंदाज से हमेशा इंटरव्यू देता, आज वो मनोहर इतना भावुक और सीरियस कैसे हो गया? जनता जिस दिन हमें समझ जाएगी, जनता जिस दिन हमें बना के भेजेगी, चुनाव जो है जिता के भेजेगी, और जनता हमें जो है एक बार मौका दे दे तो मऊ में एक नेता पैदा हो जाए। आज जो है प्रशासन और शासन के लोग चाहते हैं कि मनोहर जो है कोतवाली के आगे पीछे घूमे, हमारे आगे पीछे घूमे, ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं इनका गुलामी नहीं किया हूँ, मैं भगत सिंह को जो है अपना जो है ये मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, और मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ, क्योंकि देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी भी जेल गए थे। भगत सिंह का अंजाम आपको मालूम है ना क्या हुआ था? फांसी पे जो है हंसते हुए वो चढ़ गए थे, तो मुनव्वर अली भी जो है झुकने वाला नहीं है ना झुकेगा, इंशाल्लाह लड़ेगा और लड़ने वालों में से है। हाँ, एक दर्द हमारे अंदर ये है कि जनता फैसला सही ले, जनता नेता नहीं रहबर चुने,
और एनआरसी वाले मामले में आज सैकड़ों लोग जो है जेल गए। पूरे ट्रक कांड में जो मऊ का ट्रक कांड हुआ था उसमें 36 आदमी थे, जिसमें कि पुलिस फायरिंग में 5 लोग मारे गए थे। उसमें ना गैंगस्टर की कार्रवाई हुई 36ों पर, उसमें मेन मुलजिम हमको बना दिया गया था। और हम नौगढ़ सिद्धार्थनगर में थे, हमारे पास जो है पूरा सबूत है उसका, अभी मुकदमा वो चल ही रहा है। अच्छा एक बात देखिए, तो आपके एक थोड़ा सा बात ऐसी हम पूछेंगे आपसे कि आपको थोड़ा कष्ट भी हो सकता है इस सवाल से। लोग कहते हैं कि मनोवर आदमी दिल का अच्छा है, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है उसको इस बात का अंदाजा नहीं रहता है। कहा जाता है राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है आप, राजनीति की समझदारी नहीं है आपके। जितने परिपक्व है वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो हमको परिपक्व नहीं बनना है। हम जनता के समाज सेवी हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आज मजलूमों के ऊपर अगर जुल्म हुआ तो आज भी मुनव्वर अली जो है खड़ा है। अभी जो है मुनव्वर अली जैसे ही छूट के आया है, और मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ बार बार कि जो है जल्द से जल्द अपने आप को संभाल लें। मोदी भक्त की तरह, योगी भक्त की तरह, मुख्तार भक्त की तरह भक्ति न करें, मुनव्वर को पहचाने। मुनव्वर लड़ाई लड़ता है गरीबों की, मजलूमों की, जिसका कोई नहीं सुनता है। जिलाधिकारी नहीं सुनते हैं, एसपी नहीं सुनते हैं, कोतवाल सीओ नहीं सुनते हैं, तो उस जगह हमको खड़ा पाते हैं। हमारे पास पब्लिक भरोसा करके आती है, हम उस लड़ाई को लड़ते हैं और उनका हक दिलाने का काम करते हैं। भले जेल जाना पड़े, या गए हैं जेल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जरूरत पड़ी तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारे दुकान में बुलडोजर चला दिए हैं, जो कि फ्री होल्ड में जमीन हमारी, पैसा हमारे बाप ने दिया है और नगर पालिका को दिया है, और तुरंत जो है नगर पालिका कुर्सी जाके लगा दिया गया है। किसके इशारे पे सब काम हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पालकी चाहेगा कि मुनव्वर मुर्गा जो है चेयरमैन ही लड़े, यार सर जमाल चाहेगा, लेकिन जिस दिन जनता चाहेगी उनको जवाब दे देगी कि जनता सबसे बड़ी चीज है। वो एक है ना अभी जल्दी रिहा हुआ था, वो कौन राजा टी राजा कौन राजा है, जनता जब रोड पे आई तो फिर वापस जेल में उसको रखना पड़ा। तो ये मुनव्वर मुर्गा है, सच की लड़ाई लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहे थे इसी में हमारे वकील साहब से कि जो है मुनव्वर को अभी रहने दीजिए 14 दिन। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हमारे वकील साहब ने कहा कि वो नेता है, वो बोलेगा उसको जो है जमानत दीजिए। दिए जमानत, नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन, मऊ के दलाल बोलेंगे जो थाने के आगे पीछे घूमते हैं। तो तैयब पालकी और अशोक जमाल जैसे बड़े नामों के आगे मुनव्वर मुर्गा कैसे टिकेगा? दोनों लोग जाके वहां चापलूसी कर लें, डीएम साहब का, एसपी साहब का, जी हजूरी कर लें, एक बात अपनी मनवा नहीं पाते हैं। मऊ जिले में स्लाइडर हाउस नहीं है, 4 लाख की आबादी है, खुराक उनका है, एक स्लाइडर हाउस बनवा के दे दो ना। कुरैशी कई बार जो अरशद जमाल को भी ओढ़ दिए हैं, कुरैशी कई बार तैयब पालकी को भी ओढ़ दिए हैं। जब इनके ऊपर डंडा चलता है, जब इनके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई होती है, ये दोनों जो है छिपे रहते हैं, किस बिल में रहते हैं। मऊ की जनता तो फैसला करेगी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं जनता से बार बार फिर अपील कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी को आपने 25 साल जिताया, उसमें हमारे वालिद साहब भी जिताए हैं, और पहले जो है एक आध बार हमने भी वोट दिया है, लेकिन इस बार भी जो है गलती हुआ। अब्बास अंसारी को लोग जिताकर, मऊ सदर के लोगों को आप जिताएंगे काम होगा, मऊ के सदर के लोगों को आप नहीं जिताएंगे काम नहीं होगा। हमारे जो है अब्बास अंसारी जी को उठा के देख लीजिए, हमने बार बार कहा था कि जो जिसके पिताजी जो है 25 साल नहीं काम कराए तो लड़का क्या काम कराएगा। तो एक बार हमें मौका दीजिए, तो हम नहीं करेंगे आजीवन हमको जिता के भेजिए, हमको एक बार चांस दीजिए, फिर समझ में आएगा जिताइएगा, नहीं समझ में आएगा मत जिताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गट्टा में जान है, कमा के खाते हैं, थाने की दलाली नहीं करते हैं, किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं, जो है अपने बच्चों को अपने जो है घर में जो है हलाल कमाई खिलाते हैं। इसके पहले जो है सीओ साहब थे, बहुत हमको कहे कि मेंटेनेंस बैलेंस करके चलो मुनव्वर। क्यों बैलेंस करे भैया, हमको आराम की कमाई नहीं चाहिए। हाँ जनता अगर हमारे पास आएगी, गरीब जुल्म जिसके ऊपर आप करोगे आएंगे हमारे पास, फिर हम जो आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। पहले हम आपसे बात करते हैं, अगर नहीं बात मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र है, इसमें हम लड़ाई लड़ के रहेंगे। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं।